प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन 17 दिसंबर को मनाया जाएगा और इस दिन दिव्यांगों को उनसे जुड़ी जरूरत की सामग्रियां वितरित की जाएगी, जिसके पंजीयन हेतु शुक्रवार को सांस्कृतिक भवन वैशाली नगर भिलाई में पंजीयन एवं चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर दिव्यांगजनों को उनके जरूरत की सामग्रियों का वितरण किया जाना है, जिसके लिए छत्तीसगढ़ प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी द्वारा जगह जगह पंजीयन एवं चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सीनियर सिटीजन के साथ दिव्यांगजनों के पंजीयन किए जा रहे हैं, जिससे एक निश्चित आंकड़ा प्राप्त हो सके कितने दिव्यांग प्रत्येक शहर में है और दिव्यांगता के प्रकार क्या है। इसमें मिलने वाली वस्तुओं में व्हील चेयर, बैसाखी, वॉकर, चश्मे, श्रवण यंत्र इत्यादि शामिल है। इस शिविर के माध्यम से जिन दिव्यांगों के प्रमाण पत्र अब तक नहीं बने हैं उनके प्रमाण पत्र भी बनाए जाएंगे, साथ ही सीनियर सिटीजन के लिए भी आवश्यक सामग्रियां उपलब्ध कराई जाएंगी। शुक्रवार को भिलाई में लगाए गए शिविर में दिव्यांगों एवं सीनियर सिटीजन की काफी भीड़ दिखाई दी और इस शिविर में उपस्थित डॉक्टरों ने सभी के स्वास्थ्य परीक्षण भी किए, साथ ही दिव्यांगों के प्रकार को देखते हुए उनके पंजीयन किए गए, जिससे 17 सितंबर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर इन सामग्रियों को जरूरतमंदों तक पहुंचाया जा सके। राज्यसभा सांसद सुश्री सरोज पांडे के अथक प्रयासों से यह शिविर भिलाई में संपन्न हुआ, जहां वह खुद उपस्थित रहीं और सारी व्यवस्थाओं को उन्होंने देखा एवं मीडिया को इस शिविर और शिविर से मिलने वाले लाभ के बारे में जानकारी दी। राष्ट्र को आगे बढ़ाने के साथ साथ उन्होंने हर वर्ग की चिंता की और विशेष तौर पर देशभक्त जिन्हें उन्होंने एक नया नाम दिया दिव्यांग, और इन दिव्यांगों को उनकी प्रतिभाओं को किस प्रकार से हम आगे बढ़ा सकते हैं, दिखा सकते हैं, और अगर कहीं कोई कमी रह जाए तो वो पूरी हो सके। आज हमने यहाँ पर निःशक्तजन शिविर का आयोजन से फैसले किया कि उनके सर्टिफिकेट बन जाए और सरकार के द्वारा सामाजिक अधिकारिता विभाग के द्वारा जो सामग्री है पहुँचे, उसी उद्देश्य को लेकर आने वाले 17 सितंबर को हमारे प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पर इस सामग्री का वितरण निःशुल्क तौर पर किया जाए। ये शिविर आयोजन के साथ में ये बात समझ में आई कि लोगों को बहुत सी चीज़ों की जानकारियाँ नहीं है, वो जानकारियाँ हो तो आप पहुँचे और आने वाले समय में इस प्रकार के शिविर हम लगातार। बहरहाल शुक्रवार को वैशाली नगर सांस्कृतिक भवन में लगाए गए दिव्यांग शिविर में हजारों की संख्या में दिव्यांगों ने अपने पंजीयन करवाए और अब उन्हें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस का इंतजार है, जिस दिन उन्हें इसका लाभ प्राप्त होगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।